अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही इशुदान गढ़वी को अपनी पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित किया, आम आदमी पार्टी में बगावत के बिगुल बजने लगे। इसकी शुरुआत कद्दावर नेता इंद्रनील राजगुरु ने ही कर दी और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल होकर आगे की कार्रवाई शुरू की। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद इंद्रनील राजगुरु ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जमकर हमले किए। इंद्रनील राजगुरु के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की बनी बनाई हवा काफूर होने लगी है। वजह ये कि इंद्रनील राजगुरु गुजरात के कद्दावर नेता हैं और वहाँ उनका अपना आधार है। विजय रूपाणी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस छोड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ गए थे। इंद्रनील राजगुरु गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा और गुजरात नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। इंद्रनील 2012 से 17 कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इंद्रनील की कांग्रेस में घर वापसी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले बड़े नेता के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। अब पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि राजगुरु पार्टी पर सीएम कैंडिडेट बनाए जाने का दबाव डाल रहे थे। पार्टी के सर्वे में इशुदान गढ़वी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला था और इंद्रनील राजगुरु के पक्ष में बहुत कम मत आए थे। पार्टी ने सर्वे के आधार पर इंद्रनील राजगुरु को सीएम कैंडिडेट बनाने से इनकार कर दिया। इंद्रनील राजगुरु इसी नाराजगी के चलते सीएम उम्मीदवार की घोषणा के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस में घर वापसी करते हुए कहा कि हम हमेशा कांग्रेस के साथ थे, मेरे जाने पर मेरे परिवार को भी मंजूर नहीं था। मैं बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि वे बीजेपी की तरह लोगों को गुमराह करते हैं। इंद्रनील ने बताया कि मैं ये सोच कर गया था कि वहाँ एक सिस्टम है, लेकिन वहाँ झूठ बोलने का सिस्टम है। आम आदमी पार्टी राजनीति के तहत कांग्रेस को कमजोर कर रही है, वह बीजेपी की बी टीम है, इसलिए मैं कांग्रेस में लौट आया। राजगुरु पूर्व विधायक हैं जो राजकोट के रहने वाले हैं और सौराष्ट्र क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा देश के लिए एक बुरी पार्टी है और मैं ये सोचकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया कि शायद ये पार्टी भाजपा को हरा सकती है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह पार्टी भी उतनी ही खराब है। आम आदमी पार्टी भी लोगों को बेवकूफ बनाती है, कांग्रेस ऐसी नहीं है और इसलिए मैं वापस आ गया। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि पिछले कई दिनों से इंद्रनील भाई पार्टी पर उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन पार्टी ने फैसला किया कि सीएम का चेहरा केवल जनता की राय के माध्यम से ही घोषित किया जाएगा और इशुदान गढ़वी पार्टी के लिए सीएम चेहरा बने। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक गहमा गहमी अब तेज हो गई है। राज्य में इस बार 3 पार्टियां आमने सामने होंगी। भाजपा के 27 साल से गुजरात में सरकार है और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए 99 सीटें समेट ली थीं और इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है।